हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कोई सस्ती से सस्ती लिपस्टिक को कैसे अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगी लिपस्टिक ही देर तक टिकती हो हमारे लिप्स पे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी महंगी से महंगी लिपस्टिक भी हमारे लिप्स पे ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं, वॉश ऑफ हो जाती हैं। बट हर किसी के पास तो एक्सपेंसिव लिपस्टिक नहीं हो सकती ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जिनके पास कम बजट में, मतलब जिनका बजट नहीं है, वो सस्ती लिपस्टिक लेते हैं। बट उनको वो चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग बनाए और काफ़ी देर तक उनके लिप्स पे टिकी रहे, तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। सो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिप्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो और उनमें ऑलरेडी लिपस्टिक ना लगी हो ऑब्वियसली। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि उनमें किसी भी तरह की पैचीनेस ना हो, ड्राइनेस ना हो। सो अगर आपके लिप्स पे पैचीनेस है, ड्राई पैचेस हैं, वो होती ना एक ड्राई स्किन की लेयर जो होती है, आप उसे हटा लो। उसके लिए आप टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हो तो वो भी कर दो, और कोई वेट कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई वेट वाइप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास वेट वाइप है, हालांकि मेरे लिप्स पे किसी भी तरह की कोई पैचीनेस नहीं है, ड्राई पैचेस नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ करके। सो इस तरह से आपको नॉर्मली क्लीन करना है, और बहुत ज़्यादा है ना अगर आपको पैचीनेस तो आप टूथब्रश का यूज़ करो, उससे इजीली क्लीन हो जाता है। सो आप इस तरह से क्लीन कर लो, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली या हार्शफुली आपको नहीं करना है, नॉर्मली आपको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों को लिप बाम लगाना है। सो यहाँ पे मैंने ये नायका का लिप बाम लिया है। आपके पास कोई भी लिप बाम हो वो आप लगा सकते हो, नॉर्मल आप वैसलीन भी लगा सकते हो अगर आपके पास वो है। मतलब आपके लिप्स पे हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। और मेरा लिप बाम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही लिप बाम लगा लूँगी इस तरह से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने लिप बाम बहुत ज़्यादा लगा लिया है तो आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो इस तरह से। सो ऐसे करने से भी आपका जो लिप बाम है वो कम हो जाएगा। अब होता क्या है, हमें अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, ज़्यादा टाइम तक हमारे लिप्स पे बनी रहे, उसके लिए क्या करना है। और एक चीज़ और कि हमारे लिप्स के पास थोड़ी सी पिगमेंटेशन होती है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको कोई फाउंडेशन आप ले सकते हो, कंसीलर ले सकते हो, कोई बीबी क्रीम ले सकते हो, या फिर कोई सीसी क्रीम ले सकते हो। बट हर किसी के पास फाउंडेशन कंसीलर ज़रूरी नहीं है कि हो, बट थोड़ा बहुत बीबी क्रीम या सीसी क्रीम होता है, तो आप चाहो तो बीबी क्रीम ले लो या फिर सीसी क्रीम ले लो। यहां पे मैंने ली है लैक्मे की ये सीसी क्रीम, और इसका थोड़ा सा अमाउंट लूंगी मैं, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इस तरह से मैं जरा सा निकाल लूंगी, ये मैंने लिया, और इसको ना आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके सही रहता है। और अब इसको आपको अपने लिप्स के अराउंड अप्लाई करना है, जो पिगमेंटेशन होती है वो हमारी हाइड हो जाए और थोड़ा लिप्स पे हमारी लिपस्टिक जो है वो सेट रहे, जैसे हम कंसीलर लगाते हैं आई शेडो के लिए, ताकि हमारा आई शेडो जो है उसकी पिगमेंटेशन अच्छी आए। सो इसी तरह से लिप्स का भी है कि अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपकी लिपस्टिक की पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। ऐसे मैं डायरेक्ट फिंगर टिप की हेल्प से ही लगा लूँगी, मैंने पूरे लिप्स पे लगा रही हूँ आप देख सकते हो, और फिर इसको फिंगर टिप की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेना है। सो इस तरह से हमको इसको ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हल्का सा, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो वो यूज़ करने, लूज पाउडर है, मतलब किसी भी तरह का अगर आपके पास पाउडर है, चाहे वो लूज फॉर्म में हो या फिर कॉम्पैक्ट हो, वो आप बिल्कुल हल्का हल्का उसे अप्लाई कर
यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। आप चाहें तो कोई सा भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, और बहुत हल्का लेना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लगा लो, बस ऐसे हल्का हल्का टच करो और दैट्स इट, इस तरह से लगा लो, हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी लिपस्टिक का। सो लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये एलेटीन कलर पॉप मैट लिपस्टिक। लिपस्टिक भी ठीक है, 100 रुपीज़ की है, 110 रुपये की आई थिंक, और मैंने इसके टोटल 10 शेड्स के लिप स्वाचेज शेयर किए हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। सो इसमें मैंने जो शेड लिया है वो है R31 रोज डे, और ये मैट है बट ये प्रॉपरली मैट नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन है और लिपस्टिक जो है वो थोड़ा ट्रांसफ़र भी होती है। सो आज मैं ये लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, और इस लिपस्टिक को हम काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 6-7 घंटे तक आराम से इसे लॉन्ग लास्टिंग इस तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका मैंने अभी तक आपको बताया है और जो आगे बताऊंगी। सो अब मैं नॉर्मली जैसे लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ उस तरह से अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक हमारी लग गई है और आप देख सकते हो इसका जो कलर है, इसका जो पिगमेंटेशन है कितना अच्छा आया है। अगर आप डायरेक्टली आपने लिप्स पे लगा लेते नॉर्मली तो मे भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन का अंतर हो सकता था, हल्का फुल्का 19-20 का, बट अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन मिलेगी। और अगर जैसे हम नॉर्मली क्या होता है बुलेट लिपस्टिक लगाते हैं तो कभी कभी जो आउटलाइन होती है वहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर डिसबैलेंस हो जाती है लिपस्टिक, तो उसको भी आप इस क्रीम से भी एक ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हो, या फिर आप कंसीलर से क्लीन कर सकते हो। वैसे नॉर्मली बहुत कम होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, और डेली बेसिस पे हम कितना बार बार ऐसे क्लीन करेंगे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसलिए मैंने कुछ क्लीन नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि अभी लिपस्टिक में काफ़ी ज़्यादा शाइन भी है और ये अभी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। सो अभी ये काफ़ी, देखो आप देख सकते हो मैंने बहुत हल्का किस किया है बट ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि हम इसे और कैसे लॉन्ग, ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग बनाए, तो उसके लिए आपको लेना है एक टिश्यू पेपर। सो मेरे पास ये इस तरह का टिश्यू पेपर है, आप कोई भी नॉर्मल टिश्यू पेपर ले सकते हो। और उस टिश्यू पेपर से आपको क्या करना है, इसको अपने लिप्स पे लगाना है और हल्का हल्का इसको प्रेस करना है, तो जितनी भी जो मॉइस्चर होगा ना आपकी लिपस्टिक का, जो आपकी लिपस्टिक को जल्दी वॉश ऑफ कर देता है, उस मॉइस्चर को ये टिश्यू पेपर जो है वो सोक कर लेगा, जिसकी वजह से आपकी लिप, आपके लिप्स पे तो आपको मतलब मॉइस्चर फील होता रहेगा, ड्राइनेस फील नहीं होगी, बट आपकी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सो मैं ये टिश्यू पेपर को अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी, लगाऊंगी। तो ये जितना भी एक्सेस था, और हल्की सी मेरी लिपस्टिक जो है पहले से मैट हो गई है और एकदम कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है। एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर फील हो रहा था वो अब फील नहीं हो रहा है, बिकॉज वो मॉइस्चर जो है वो हमारे टिश्यू पेपर पे आ गया है। और उसके बाद आप क्या करो कि एक बार इस तरह से और कर लो, तो इससे क्या होगा, जब हम जैसे कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमारी जो लिपस्टिक है वो वॉश ऑफ नहीं करेगी यहाँ वहाँ से। देखो पहले मैंने जब इसको टिश्यू पेपर से इसका मॉइस्चर सोक नहीं किया तो ये इतनी ट्रांसफ़र हो गई थी, और अब जब मैंने टिश्यू पेपर यूज़ कर लिया है और अब फिर मैं इसको हल्का सा किस करूँगी, फिर आप देखो ये कितना ट्रांसफ़र होती है। सी सो ये ना के बराबर हल्की फुल्की ही ट्रांसफ़र हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगी और आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और आप चाहो तो इसके ऊपर भी हल्का सा ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर सेट कर सकते हो, तो ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ इतने ही स्टेप करते हो तो आपकी लिपस्टिक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके लिप्स पे बनी रहेगी। आप कोई भी सस्ती सी लिपस्टिक आप लेते हो उसे आप लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो इस तरीके से। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कि जो
जो सस्ती लिपस्टिक है उसको हम कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, किस तरीके से लगाएं, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।